गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हम हमारा चैप्टर नंबर 6 क्लॉथ्स रीड कर रहे थे, तो हमने ये चैप्टर यहाँ तक रीड कर लिया था। क्लॉथ्स एंड अम्ब्रेला दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, मींस यहाँ पर हमने रेनी सीजन में कैसे कपड़े हम यूज़ करते हैं, अगर समर होता है तो हम कैसे कपड़े यूज़ करते हैं, विंटर में कैसे कपड़े पहनते हैं, तो उन सब के बारे में हमने यहाँ डिस्कस कर लिया था। अब हम देखते हैं यहाँ हमारे ओकेजन वाले कपड़े। देखिए यहाँ लिखा है, वी वियर स्पेशल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल डेज लाइक फेस्टिवल्स, वेडिंग एंड पार्टीज। तो बच्चों, हम जो क्लॉथ्स हैं वो ओकेजन के अकॉर्डिंग भी पहनते हैं। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि हम सीज़न के अकॉर्डिंग किस तरह से कपड़े पहनते हैं, कौन से कपड़े हमें पहनने चाहिए। लेकिन जैसे हमारा ओकेजन होता है, फेस्टिवल होता है, या कोई वेडिंग होती है, या पार्टीज़ होती हैं, तो इनमें हम उनके अकॉर्डिंग के क्लॉथ्स पहनते हैं। जैसे आपने देखा होगा, वेडिंग होती है, पार्टीज़ होती हैं, तो शादी वगैरह में कैसे कपड़े पहनते हैं आप लोग, एकदम बढ़िया अच्छे से, बहुत ब्राइट ब्राइट इस तरह के आप कपड़े पहनते हैं, एकदम अच्छे, है ना। एंड अगर फेस्टिवल होता है तो आप उनके अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं, कुर्ता हो गया, कुर्ता पजामा, इस टाइप से आप पहनते हैं, राइट। कई लोग ट्रेडिशनल कपड़े भी पहनते हैं, ओके। दीज आर कलरफुल क्लोथ्स। ये कैसे होते हैं? कलरफुल क्लोथ्स होते हैं। जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, तो इन सब पे आप कैसे कपड़े पहनते हैं? कलरफुल एंड मतलब जो अच्छे लगे दिखने में, ऐसे आप कपड़े पहनते हैं, राइट। तो हम ओकेजन के अकॉर्डिंग या फिर फेस्टिवल के अकॉर्डिंग भी क्लॉथ्स पहनते हैं, राइट। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर आपको ये जो पिक्चर नज़र आ रही होगी, देखिए जैसे यहाँ पर है वेडिंग क्लॉथ्स। वेडिंग क्लॉथ की हम बात करते हैं, तो वेडिंग में यहाँ इन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं? इन्होंने पहना है एक फॉर्मल सूट एंड गाउन। तो ये है क्रिश्चियन वेडिंग में इस तरह की ड्रेस पहनी जाती है। अगर हम बात करते हैं इंडियन वेडिंग की, तो वहाँ पर क्या पहनते हैं लोग? वहाँ पहनते हैं लहंगा। गर्ल को क्या पहनाया जाता है? लहंगा। एंड बॉय को पहनाया जाता है या तो सूट, या फिर वो पहनता है शेरवानी। तो इस तरह से सबका अलग अलग ट्रेडिशन होता है, और उसके अकॉर्डिंग कपड़े भी होते हैं। लाइक दिस बर्थडे पार्टी, इस बर्थडे पार्टी में कैसे कपड़े पहने उन्होंने? सबने ओकेजन ही कैजुअल कपड़े पहने, तो हम पार्टी वियर कपड़े भी पहनते हैं, ओकेजनली कपड़े पहनते हैं, कैजुअल पहनते हैं, फॉर्मल पहनते हैं, राइट। अब इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ ये सेलिब्रेट कर रहा है क्रिसमस, तो सेंटा ने कैसे कपड़े पहने? सेंटा क्लॉज कैसे कपड़े पहनता है? देखिए आप, रेड कलर का इसने हुडी पहना हुआ है, एंड कैप लगाई हुई है वाइट एंड रेड कलर की। तो ये है इनकी ड्रेस। तो सबकी अलग अलग ड्रेसिंग होती है, राइट। तो हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं। वी वियर कलरफुल क्लॉथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन। तो जब भी कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तो हम कैसे ब्राइट कपड़े पहनते हैं, कलरफुल कपड़े पहने जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम देखते हैं आगे यूनिफॉर्म। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की। अभी तक हमने बात की सीज़न में, ओकेजन में, पार्टी वगैरह में आप किस टाइप के कपड़े पहनते हैं। अब यहाँ पर हमें गिवन है यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्या होती है बच्चों? इन स्कूल्स ऑल चिल्ड्रन वियर सिमिलर क्लॉथ्स। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, या फिर कई ऑफिस वर्क होता है, या कई बहुत सारे वर्क प्लेस होते हैं, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं, मीन्स ड्रेस पहनते हैं, एक कपड़े पहनते हैं। तो वो कैसे होते हैं? एक जैसे होते हैं। सबके ड्रेस, सबका ड्रेस कैसा होगा? सेम होगा। तो उसे हम बोल देते हैं ड्रेस कोड, या फिर आप कह सकते हैं यूनिफॉर्म, ओके। तो वहाँ उस चीज़ को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। जैसे आप स्कूल में आते हैं, तो आप सब एक ही तरह के कपड़े पहनते हैं, है ना, तो इसलिए उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म। दीज क्लॉथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया, दीज क्लॉथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म। ये क्लॉथ्स क्या कहलाते हैं? यूनिफॉर्म कहलाते हैं। वो क्लॉथ्स जो हम स्कूल्स में पहनते हैं, सारे बच्चे पहनते हो आप, है ना, सब सिमिलर क्लॉथ्स पहनते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। ईच स्कूल हैज़ इट्स ऑन यूनिफॉर्म। तो हर स्कूल की खुद की एक यूनिफॉर्म होती है। जैसे आपके खुद के स्कूल की यूनिफॉर्म अलग है, आप देखेंगे अगर कोई और स्कूल है आपके एरिया में आसपास, तो उस स्कूल की अलग यूनिफॉर्म होगी। तो सब स्कूल्स की अलग अलग यूनिफॉर्म होती हैं, राइट। सम पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, पोस्टमैन, नर्सेज एंड सोल्जर्स ऑल्सो वियर स्पेशल यूनिफॉर्म, राइट। तो जो डॉक्टर्स होते हैं, राइट, जो डॉक्टर्स होते हैं,
पोस्टमैन होते हैं, नर्स होते हैं, ये सब भी क्या करते हैं, है ना, ये सब भी एक स्पेशल यूनिफॉर्म पहनते हैं। सम पीपल लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, पोस्टमैन, नर्सेस एंड सोल्जर्स ऑल्सो वियर स्पेशल यूनिफॉर्म। मीन्स डॉक्टर की एक अलग यूनिफॉर्म होती है, लॉयर की अलग यूनिफॉर्म होती है, पोस्टमैन की अलग यूनिफॉर्म होती है ना, नर्सेस की, सोल्जर्स की अलग यूनिफॉर्म होती है, सबकी स्पेशल यूनिक यूनिफॉर्म होती है, राइट। तो किस टाइप की यूनिफॉर्म होती है, देखिए यहाँ पर ये है नर्स, तो इसने कैसी यूनिफॉर्म पहनी है, देखिए यहाँ पर इसने स्काई ब्लू कलर की यूनिफॉर्म पहनी है। ये है आपका सोल्जर, आपने देखा होगा कई बार टीवी वगैरह में या फ़ोन में, अगर आपने देखा हो तो सोल्जर इस टाइप की यूनिफॉर्म मिलते हैं। डॉक्टर कैसी पहनते हैं, इस तरह का वाइट कोट वो पहनते हैं, एंड लॉयर क्या पहनते हैं, वाइट एंड ब्लैक, राइट। एंड पोस्टमैन पहनता है खाकी कलर की, ओके। तो ये है सबकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की यूनिफॉर्म, राइट। जिस तरह से आपकी यूनिफॉर्म है उस तरह से इन लोगों की भी यूनिफॉर्म होती है। नेक्स्ट लिखा है वी शुड टेक गुड केयर ऑफ आवर क्लोथ्स, हमें अपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें साफ़ सुथरा रखना चाहिए, ऑलवेज़ उन्हें हमें क्लीन रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स, और हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए बच्चों, हमें हमेशा साफ़ कपड़े पहनने चाहिए जो एकदम क्लीन हो, ओके। गुड एंड क्लीन क्लोथ्स गिव अस अ स्मार्ट लुक, तो जो गुड एंड क्लीन क्लोथ्स होते हैं वो हमें कैसा लुक देते हैं, स्मार्ट लुक देते हैं, राइट। उसमें हम अच्छे लगते हैं। देखो अगर आप साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, आयरन किए हुए क्लोथ्स पहनेंगे तो आप कैसे लगेंगे, अच्छे दिखेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसका बुक वर्क करेंगे, देन हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, ओके बच्चों।